हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे कि धान की रोपाई कैसे होती है। धान जो आप लोग चावल खाते हैं, राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उसका शुरू से लेके लास्ट तक प्रोसेस, उसके बाद कैसे वो चावल बनता है, सारा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा भी। तो इस ब्लॉग में बने रहे, काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लग रहा है। अभी सावन का महीना है तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, सारे किसान लोग अपने अपने खेत में लगे हुए हैं। तो अभी बने रहे इस ब्लॉग में, भी दिखाते हैं आप लोगों को सबसे पहले उसका सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे उसके बाद का प्रोसेस, डबल प्रोसेस। तो आप लोग बने रहे इस ब्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तभी देखिए, इंटरेस्ट नहीं होगा तो मत देखिए। तो आइए गाइस, सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं फर्स्ट प्रोसेस तो क्या होता है। तो आप लोग बने रहे इस ब्लॉग में। तो गाइस, ये है फर्स्ट प्रोसेस, ये है धान का बीज जो इसको कबाड़ के फिर से और जिस खेत में भी लगाएंगे दूसरा स्टेप में वही है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा घना हुआ है। तो ये कैसा हुआ है अभी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इसको दलदला करके उसके बाद इसको इसके ऊपर धान का बीज छींट दिया जाता है और उसके बाद अपने आप ये जन्म जाता है। बहुत ही गाढ़ा छींटना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा गाढ़ा ये सब जन्मता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा होने दिया जाता है, लगभग 2 सप्ताह के अराउंड, तो 2 सप्ताह लग जाता है इसको बढ़ने में। तो अभी ये छोटा है, ये 5 डेज और लगेंगे इसको बड़ा होने में। उसके बाद ये कबड़ कबड़ के जाएगा खेत पे जहाँ पे धान उगेगा। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को दिखाते हैं एक करके, ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा एक, ये देख सकते, ये जो भी आप लोग देख रहे हैं इसको एक कबाड़ के और लगाया जाएगा एक का करके। तो ये था कुछ फर्स्ट प्रोसेस। और ये आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडर दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ कि इधर का है वो अलग है और उधर का दिया लगाया हुआ है वो अलग है, क्योंकि ये हो सकता है ये जो गहरा हुआ खेत जिसमें ज़्यादा पानी जमा हुआ रहता है वो इसमें लगेगा ये वाला, और जिसमें पानी जमा नहीं है तो ये लगेगा। तो इधर इस तरह का होता है। अगर आप लोगों को एक ही धान लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग का अलग मन है यहाँ पे लगाने का। तो गाइस, तो देखा अभी आप लोगों ने फर्स्ट प्रोसेस, तो चलिए अभी चलते हैं दूसरे प्रोसेस के तरफ। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो गाइस, ये देखिए इधर लैंडस्लाइड हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी तो ये उसी का नतीजा है। एंड गाइस, प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले जिस खेत में हम लोगों का रुपाई होगा उस खेत को सबसे पहले हम लोग इसको दलदला बना लेंगे, ट्रैक्टर से या हल से या कुछ भी चीज़ से इसको जोत के पूरा दलदला बना देंगे। एंड गाइस, स्टेप जो आप लोग ये देखिए, इसको फाइनल भी स्टेज बोल सकते हैं, लेकिन इससे भी और आगे इसका ज़्यादा स्टेप होता है, तो वो अभी काफ़ी दिनों लग सकता है इस स्टेप को पूरा करने में। तो ये लास्ट स्टेप कहते हैं अभी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये पूरा तरह से जो अभी आप लोगों को दिखाएं छोटे छोटे पौधे, वो अभी लग चुके हैं इस दलदले हुए खेत में। तो सारे लोग ये देखिए इतना बारीकी से, यहाँ पर बाढ़ आया था इस पुल के जरिए से, तो यहाँ का फसल थोड़ा सा बर्बाद हो चुका है, यहाँ का फसल बर्बाद हो चुका है। और वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भीन उन टूट चुका है और उधर लैंडस्लाइड हो गया है इतना बड़ा बांध में। तो अभी आप लोग देखिए गाइस, लास्ट पोजीशन होगा कि ये सबसे पहले ये बड़ा होगा, फिर इसमें बीज आएंगे, धान आएंगे, उसमें चावल बनेंगे, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर चावल कट के उसके बाद उसको कुटा के बनाया जाता चावल। तो ये फाइनल स्टेज था। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं सारे खेतों में इसी तरह भी होगा। तो और फाइनल स्टेज जब होगा, धान कटेगा, उस समय का भी ब्लॉग आएगा, तो आप लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को इसी तरह प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। गाइस, देखा आप लोगों ने हमारा पूरा ये एपिसोड, तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कमेंट करें। और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को,
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, विलेज ब्लॉग, सारा ब्लॉग इसमें आता है इस चैनल में। तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए ओल्ड वीडियोस, तो काफ़ी ज़्यादा अब भी आप लोगों को कुछ कुछ नॉलेज आया होगा कि कैसे होता है। अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो आप लोगों को ये सब पता नहीं होगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अभी आप, मैं आप लोगों को बताया, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो अभी तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।